नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट दिस वीक। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। और भले ही शेयर बाजार बंद हो गया हो, लेकिन मन में हमारे कई सवाल उठते हैं कि आगे की हफ्ते की रणनीति किस तरह से तय की जाए, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर नजर रहनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो हमारे रडार पर, हमारे पोर्टफोलियो का रुतबा बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही कोशिश करेंगे ये जानने की कि कहां कहां पर ज़्यादा निवेश के विकल्प और मौके हैं। अगर आप शेयर से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं या पहली बार शेयर मार्केट पर निवेश करने की सोच रहे हैं, तो हमारे नंबर्स हैं, इस शो के दौरान आप कॉल कर सकते हैं। एक बार नंबर सुन लीजिए, 0112309763 और 0112338662। लगातार ये जो नंबर्स हैं ये फ्लैश होते रहेंगे। अगर आपकी शेयर मार्केट से जुड़े कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मार्केट विश्लेषक डॉक्टर रवि जुड़े हुए। डॉक्टर रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। तो कॉल्स लेने से पहले डॉक्टर रवि, जिस तरह से हमने देखा भारतीय शेयर बाजार में कुछ दिन अगर हम शुरुआत करें हफ्ते की, तो ज़बरदस्त गिरावट देखी गई, लेकिन अगर लास्ट का जो दो दिन हम देखें तो स्टेलर परफॉर्मेंसेस देखे गए, खासतौर पे फार्मा सेम और मेटल स्टॉक्स ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आगे की रणनीति किस तरह से रहनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत बड़े ट्रिगर्स नहीं है सिवाय इलेक्शंस को अगर छोड़ दिया जाए तो। नहीं देखिए, ट्रिगर का वैसे तो मार्केट हमेशा चलता रहता है। पहले अगर मार्केट के एक व्यू की बात करें तो जहां पर वर्ल्ड वाइड मार्केट में अगर देखें, चाहे डाउ जोन्स, नैसडैक, इन सब में देखें, तो एक भारी तेजी आपको देखने को मिल रही है और उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो भारतीय बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। FIIs का कॉन्फिडेंस जिस तरीके से देखने को मिल रहा है वो भारतीय बाजारों को काफ़ी हद तक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और उसकी वजह से तेजी देखने को मिल रही है। जहां तक इवेंट की बात करें तो ये ज़रूर है कि 11 मार्च को इलेक्शंस के रिजल्ट हैं। उसके बाद अगर देखें तो मुझे लग जहां पर 15 मार्च को फेड की वापस से इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन है, तो ऐसे और अभी रिसेंट में अगर आप देखें तो जिस तरीके से GST को लेकर के एक मीटिंग है, उसको उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव मार्केट में सपोर्ट देंगे। और मैं समझ रहा हूँ अभी मार्केट की जो अप ट्रेंड है वो ज़्यादातर डिपेंडेंट जो होगा वो 11 मार्च के इलेक्शन रिजल्ट पे होगा। अगर मैंडेट BJP की तरफ के लिए जाता है तो काफ़ी तेज़ी से आपको मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और अगर अगेंस्ट जाता है तो शायद थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखने को मिले, लेकिन फंडामेंटल यहाँ पर काफ़ी हद तक एक स्ट्रांग है। तो मैं समझता हूँ कि स्पेसिफिक सेक्टर हम लोग चर्चा करेंगे आगे, उनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिले। चलिए, तो एक बड़ी खबर ये भी है कि GST की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है कि राज्यों की जो लॉस की भरपाई के लिए जो लॉ ड्राफ्ट है, जिसमें उदयपुर को लेकर जो GST काउंसिल परिषद की बैठक चल रही थी, उसे मंजूरी मिल गई है, तो अब संसद में उसे पेश किया जाएगा। लेकिन अगर हम बड़ी खबरों की बात करें, खासतौर पर अगर सेक्टोरियल इंडाइसिस की तरफ से हम चलें, तो बैंकिंग सेक्टर, जिस तरह से SBI का मर्जर का एक ज़बरदस्त फैसला लिया गया कि किस तरह से अब एक वैश्विक बैंक उभर कर SBI सामने आएगा, बैंकिंग सेक्टर के लिए कितनी बड़ी सफलता है ये। और साथ ही साथ जब पहले भी वित्त मंत्री इस बात के संकेत दे चुके थे कि विलय और अधिग्रहण से ही हम बैंकिंग में जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं, प्रशासनिक दिक्कतें हैं, फंडिंग की दिक्कतें हैं, उससे हम निजात पा सकते हैं। देखिए, जहाँ तक आंचल जी बात करिए, तो जब अलग अलग कई बैंक होते हैं और जब मर्ज करके एक बनाया जाता है, तो काफ़ी हद तक जैसे SBI का एक बहुत बड़ा स्टेक है, और देखें तो हमारे यहाँ पे इंडिया में सबका एक जो आम आदमी है उनका कॉन्फिडेंस भी SBI की तरफ बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो SBI की तरफ हमेशा अपना कॉन्फिडेंस शो करते हैं, चाहे FD में हो, चाहे बैंक अकाउंट्स में हो। तो अगर उसके साथ में जैसे जो मर्जर हुआ है, तो उन खासतौर से बैंक्स को ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अब जो ऑपरेशन, जो खास तौर से कॉन्फिडेंस, जो एक रिलायबिलिटी SBI के साथ ही, वो रिलायबिलिटी उन बैंकों को मिलेगी। और ये भी एक ज्यादा जरूरी था कि अगर कई ऐसे बैंक होते हैं तो कई ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको लेकर के काफी चीजें डिले होती हैं, तो वो सारी चीजें अब यहां पर क्लियर होती हुई नजर आएंगी। और मुझे लग रहा है कि इसका फायदा इन्वेस्टर को भी सीधे सीधे मिलेगा। जो एक बैंक से दूसरे बैंक का ट्रांजेक्शन होता था, उसमें कई बार ऐसा होता था कि डिले होता, तो वो सारी चीजें अब जो है वो धीरे धीरे सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। और बैंक के मर्जर से ये तो जरूर है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है और साथ में इन्वेस्टर का यहां पर सीधा सीधा इंपैक्ट देखने को मिलता है। उनका कॉन्फिडेंस जिस तरीके से बढ़ता है वो खासतौर से SBI के लिए भी काफी पॉजिटिव है और आम जो जनता है उसके लिए भी फायदेमंद है। और साथ ही जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर की लगातार बात करते आए हैं कि आप किस तरह से एक बैड बैंक, जिसकी लगातार अरविंद परंगड़िया भी साफ तौर पर कह चुके कि ये कॉन्सेप्ट है, इसे लाया जाए, लेकिन किस तरह से हम NPAs की अगर जिक्र करें, तो इन जब हम मर्जर्स और एक्विजिशंस की बात कर रहे हैं, तो छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में विलय क्या NPA की दिक्कत से भी ज़्यादा दिला पाएगा? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आपको मैं क्लियर करूं कि देखिए, जैसे अगर एक छोटा बैंक है उसका अगर एनपीए होता है, और एक बड़ा बैंक है जिसका अगर छोटा एनपीए भी होता है लेकिन उसके पास फंड की कैपेबिलिटी ज्यादा है, तो वो उस एनपीए को मैनेज कर सकता है कुछ और दिन तक के लिए, लेकिन छोटा बैंक उसको मैनेज नहीं कर सकता और उसकी बुक वैल्यू में वो लॉस दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से शेयर प्राइसेस जो है वो गिरने शुरू हो जाती। तो इन सब चीजों का सीधा सीधा फायदा देखने को मिलेगा अगर आपके पास फंड ज्यादा है, और खास तौर से अगर SBI की बात करें तो उनके पास काफी ज्यादा फंड है, तो वो अगर उनके साथ छोटे एनपीएस मर्ज होते हैं तो मुझे लगता है कि एक बुक वैल्यू अच्छी होगी जिससे कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़े। चलिए, तो हमारे पहले कॉलर पिंक सिटी जयपुर से जुड़े हैं कृष्ण। कृष्ण, पूछिए अपना सवाल, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। मेरे को ये पूछना है, F&O में जो ट्रेड करते हैं, जी पूछिए, F&O में जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें ब्रोकरेज पर लॉट लगती है, पर ट्रेडिंग लगती है, ये पूछना है मेरे को रवि जी से। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए शायद बात करना चाह रहे हैं जी। देखिए, फ्यूचर में जो भी आप ब्रोकरेज करते हैं, ब्रोकरेज आपकी लगती है, कुछ ब्रोकर जो हैं वो पर लॉट के हिसाब से लगाते हैं, और कुछ जो है वो ब्रोकर जो है वो ट्रेडिंग वैल्यू पे लगाते हैं, और जनरली जो है ये ब्रोकर का इंडिविजुअल डिसीजन होता है। लेकिन आप जो है वो वैसे पूरे टोटल अमाउंट की बात करें तो टोटल टर्नओवर पे ब्रोकरेज लगती है, जो खास तौर से एक्सचेंज चार्ज करता है। तो आप उसके लिए, अगर आपकी ब्रोकरेज ज़्यादा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने ब्रोकर से इसको निगोशिएट कर सकते हैं। वैसे टर्नओवर पे लगती है, अगर आपने 100 शेयर का एक फ्यूचर खरीदा है तो जो उसका टर्नओवर होगा, अगर उसका 5 लाख का टर्नओवर हुआ तो उस पूरे 5 लाख के ऊपर आपको ब्रोकरेज देनी होती है। चलिए, तो कहीं ना कहीं इनको फ्यूचर्स ऑप्शंस में ट्रेड करने की जो जानकारी चाहिए थी वो उन्हें मिल गई। लेकिन लगातार इस वक्त कई दर्शक हमसे सवाल करते हैं मेल के जरिए कि क्या ये सही समय है इस वक्त मार्केट में प्रवेश करने का, क्योंकि हमारी मौद्रिक नीति की घोषणा हो चुकी है, हालांकि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन अब अमेरिका से फिर मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाएगी, जहां पर कहीं ना कहीं संकेत ये दिए जा रहे हैं कि आर्थिक मजबूती नजर आ रही है वहां की अर्थव्यवस्था में, और शायद एक रेट हाइक हो सकता है, और यहां पर अब इलेक्शन जो है ऑलमोस्ट अपने अंतिम चरण पर हैं। फिर साथ ही कंपनी अर्निंग्स की अगर बात की जाए तो वो भी खत्म होने की रडार पर है। ऐसे में क्या ये सही समय है अगर कोई व्यक्ति पहली बार निवेश करना चाहता है शेयर मार्केट में? देखिए आचल जी, मार्केट का जो मूवमेंट है वो उतार और चढ़ाव आपको देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन खास तौर से आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि अगर इन्फ्लेशन कम है और खास तौर से बाज़ार जो है वो सारे अच्छे चल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड सब कुछ अच्छा चल रहा है, भारतीय फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिलती है, और वो आप फिर मिस कर देते हैं कि आपने पहले इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उसके लिए मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोचें, तो पहला कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, और दूसरा कि आप अपने पैसे को, जैसे अगर 12 साल के 12 महीने होते हैं तो हर महीने आप डिवाइड कर दें। अगर आपको 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 10-10 रुपये के हिसाब से डिवाइड कर दें, तो आप मार्केट में कभी ऐसा होगा कि आप बहुत तेजी में खरीदेंगे और कभी ऐसा होगा कि आप बहुत मंदी में खरीदेंगे, लेकिन आपका एवरेज प्राइस जो है वो बहुत अच्छा होगा। जी। तो उससे आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा, सहारा मिलेगा, और मार्केट में अगर कोई बहुत बड़ी गिरावट होती है तो उसका भी फायदा मिलेगा, और तेजी होती है तो आपका पोर्टफोलियो तो हमेशा चमकेगा। बिल्कुल, तो पोर्टफोलियो चमकेगा। लेकिन हमारे साथ राजधानी दिल्ली से रुपेश जुड़े हुए हैं। रुपेश जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। पूछिए। नमस्ते मैम, ये पूछना था, मैं मार्केट में निवेश करना चाहता हूँ, है ना, मतलब कि अभी तो किस सेक्टर में पैसा लगाया जाए, अभी वो पूछना था। चलिए, तो ये आपके सवाल का एक्सटेंशन हो गया, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि पहली बार निवेश करना चाहते हैं, ये पहली बार भी निवेश करना चाहते हैं, साथ ही पूछना चाह रहे हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स इनके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आप निवेश के समय एक स्ट्रैटेजी जरूर बना के चलें, और खास तौर से आप जब पहली बार इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बिना स्ट्रैटेजी के, बिना किसी सजेशन के आप इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट ना करें। अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आपको कुछ और प्लान बताता हूं, आप SIP जाके कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक स्ट्रैटेजी बनाएं। स्ट्रैटेजी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि आप 100 रुपये अगर आपके पास है तो आप उसको डिवाइड कर दें, हर महीने के हिसाब से फिक्स कर दें, और उसको शेयर मार्केट में डालें। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि शेयर मार्केट में डालें लेकिन किस सेक्टर में। आज जिस तरीके से डिजिटल इंडिया को सरकार हमारी बढ़ावा दे रही है, बैंकिंग जिस तरीके से स्ट्रांग हो रही है, जो फंड उनके पास आए हैं और वो अब आगे जब जो आएंगे उसको देखें, और खास तौर से अगर आप थोड़ा सा पीछे बजट देखें तो करीब 3.5 लाख से 4 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर को दिए गए, तो ये सेक्टर अपने आप में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो आप सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आप डिवाइड कर दें, आप बैंकिंग में कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कर सकते हैं, और बॉन्ड में कर सकते हैं। आप इस तरीके से डिविजन बनाएं और सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो में बैंकिंग,
आईटी, जो कि डिजिटल इंडिया का समय आ रहा है, तो आईटी और साथ में मैंने बताया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, इन शेयर्स पे थोड़ा जोर दें और इन पे इन्वेस्टमेंट करने की सोचे, एक लॉन्ग टर्म पे एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। बैंकिंग, आईटी और इंफ्रा पर रहनी चाहिए नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर भी आप जुड़े रहिए हमारे खास शो मार्केट दिस वीक के साथ। एक भारत सरदार पटेल डिजिटल प्रदर्शनी देखने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। कैसी हो बहन? अच्छी हूँ, आइए आइए, पर जूते चप्पल यहीं उतार दी। नमस्ते डॉक्टरनी जी। नमस्ते। अले क्या कर रही है बेबी? इसकी नाल तो बिल्कुल सूखी है, कुछ तेल वेल लगाओ, नहलाया कि नहीं बच्चे को? देखिए, बच्चे को 24 घंटे तक नहीं नहलाना चाहिए, इससे उसे ठंड लग सकती है, और नाल पर तेल, घी, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, इन्फेक्शन हो सकता है। बस नाल को साफ और सूखा रखिए, वो सूख कर अपने आप ही गिर जाएगी। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। गर्भावस्था में सामान्य से एक चौथाई ज्यादा खाना खाना बहुत जरूरी है कमला, और साथ ही माँ का 10 से 12 किलो वजन बढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगर वजन नहीं बढ़ता तो गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। अब सुनो, खाने में क्या क्या खाना जरूरी होता है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक, मेथी, चौलाई, बथुआ वगैरह, और उसके साथ साथ लाल, पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियाँ जैसे गाजर, टमाटर, सीताफल और आम इन्हें खिला। और इसके साथ साथ दालें, मूंग की दाल, काला चना, राजमा, अरहर और साथ ही अंकुरित दालें खिला, जिनमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, और साथ साथ ज्वार, बाजरा, गेहूं, रागी, जो कि आसानी से उपलब्ध होता है, तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है। आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, खासकर खाने के साथ, क्योंकि इनसे शरीर को बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है और खून की कमी भी दूर रहती है। संतुलित मात्रा में आयोडीन वाला नमक ही खिलाना, जो बच्चे का मानसिक विकास करता है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास साफ पानी ये जरूर पिए, और अपने आसपास सफाई का वातावरण रखना है। और ये सब चीजें जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब और किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का इस्तेमाल न गर्भवती स्त्री और ना ही घर में कोई और करे। और कमला के खाना खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक चाय का सेवन भी नहीं होगा। तुमको हर महीने इसे जांच के लिए यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र में आशा एएनएम के पास लाना होगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास जो मार्केट दिस वीक में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं आने वाले समय में जो निवेश का आपके लिए एक विकल्प मौजूद हो सकते हैं, अगर हम शेयर बाजार की बात करें। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लगातार बात करते हैं, जिसपे बुनियादी ढांचे की निवेश में अगर हम बजट को देखें तो ज़बरदस्त इसमें इजाफा किया गया है। क्या लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा गैम्बिट है, किस लिहाज से और किन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जिनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है भारतीय शेयर बाजार में। मान लीजिए कृषि की अगर बात कर ली जाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर को किस तरह से हम अपनी रडार पर लाकर फ़ायदा कमा सकते हैं? देखिए, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की खास तौर से बात करते हैं तो कृषि ही सबसे पहला पार्ट होता है, क्योंकि जब भी ऐसा देखने को मिला है, अगर इन्फ्लेशन देखें तो उसमें भी कृषि का बहुत बड़ा रोल रहा है। और आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आपको डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, उसमें भी काफ़ी हद तक एक कृषि का रोल है। खासतौर से जैसे आप रियल इस्टेट के सेक्टर को देखें तो वहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो ज़मीनें किसानों की ली जाती हैं और उसके बाद वहाँ पर डेवलपमेंट जो शुरू होती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में सपोर्ट मिलता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट जिस तरीके से अभी प्लानिंग कर रही है खास तौर से कि इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी बूस्ट दिया जाए, इसीलिए बजट में उन्होंने इतना बड़ा फंड लोकेट किया है, चाहे वो रेलवे के साथ में किया हो या फिर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड को लेकर के। अब अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में खास तौर से देखें तो जिस तरीके से रियल इस्टेट पे और अफोर्डेबल हाउसिंग, जो आम जनता है जिनके पास मकान नहीं है और जिनको सोचने में डर लगता है कि क्या मैं दिल्ली या
या फिर मुंबई या फिर ऐसी बड़ी सिटीज में कभी मकान ले सकता हूँ, उनको लेकर के जिस तरीके से सरकार सजग है और 2022 तक ये वादा कर रही है कि सबको लगभग घर वो देने की कोशिश करें, तो उसको देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक बूस्ट मिलेगा और उनके शेयर में आगे काफ़ी तेजी से आपको जो है वो बढ़ा देखने को मिल सकते हैं। चलिए तो हमारे साथ श्रीनगर से सुनील जुड़ गए हैं। सुनील जी पूछिए अपना सवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो पर। नमस्कार मैडम जी, पूछिए सवाल। नमस्कार, मुझे शेयर मार्केट में अच्छी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने 3000 रुपया मेरा पर मंथ जाता है म्यूचुअल फंड में लगाया मैंने पैसा जी, और 2010 में किया मैंने शुरू, क्या ये ठीक है? ये जो सवाल ये कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स ELSS जो एक SIP का हम जरिया बोलते हैं, ये बहुतों का सवाल है कि हमने इतने समय में लिया और क्या इसे अभी और मच्योर होने दिया जाए, तो ये जो मनोस्थिति होती है एक निवेशक की, ये आप समझ सकते हैं क्योंकि आप शेयर बाजार के जानकार हैं, तो इस मनोस्थिति से कैसे निपटा जाए? थोड़ा सा लालच भी आता है कि हम देखते हैं कि हमारा रिटर्न अच्छा आ रहा है, तो असली समय कब है कि हम इस पके हुए रिटर्न को अपनी जेब में डालें? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात इसलिए भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं खास तौर से, चाहे आप अलग अलग कंपनीज के म्यूचुअल फंड जो है वो आपको मिलते हैं, प्राइवेट पे भी म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हों तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उनकी NAV क्या चल रही है, यानी कि उन्होंने पीछे अभी तक क्या रिटर्न दिए हैं और अभी करंट NAV से उनके क्या रिटर्न आ रही है जिसने एक साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था, पहली बात। दूसरी बात है, अगर आप शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं जानते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है, और मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने कहा कि अगर मुझे शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं तो आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना शुरू किया, अदरवाइज लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट में जाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है, तो बेटर है आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, बस अब आपको थोड़ी सी और एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका पैसा और तेजी से बढ़े, और उसके लिए आपको करना यही है कि आप अपने म्यूचुअल फंड पे जो NAV है उसको देखें और जो म्यूचुअल फंड है उनके बारे में थोड़ी जानकारी लें, और जिससे कि जो अगला पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो और भी जो अदर म्यूचुअल फंड है उनमें भी इन्वेस्टमेंट करें। कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट इक्विटी मार्केट से रिलेटेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डिफेंसिव होते हैं, तो आप ये चीज़ें आप अपने जो भी आपके जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं तो उनसे आप एक बार बात करिए, आप अपने फंड मैनेजर से एक बार बात करके अच्छे म्यूचुअल फंड लीजिए, और मैं समझता हूँ कि म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज़्यादा सेफ है। चलिए तो अब श्रीनगर से हम आपको ले चलते हैं जम्मू की तरफ, जहां मकबूल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मकबूल जी पूछिए अपना सवाल, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो मार्केट दिस वीक में। वेरी गुड इवनिंग टू यू मैम जी, पूछिए सवाल। या मैम, आई वांट टू इन्वेस्ट इन दी दिस म्यूचुअल फंड, बट आई डोंट हैव दी नॉलेज ऑफ म्यूचुअल फंड, एंड प्लीज सजेस्ट मी हाउ आई वुड इन्वेस्ट इन दी म्यूचुअल फंड एंड in the share market, because it's scanning now in emerging as a in a good situation now. ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे हैं, हर अपने कुछ बैंक्स की तरफ से भी हैं, अलग अलग कंपनीज के भी हैं, तो उसमें चुनाव किस तरह से किया जाए? जी बहुत ईमानदारी से इन्होंने क्वेश्चन किया, और मैं आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज और करने को बोलूँगा। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आज इस समय डिजिटल इंडिया को जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है इंटरनेट के समय में, आप सिर्फ इतना डालिए विच म्यूचुअल फंड इज गुड फॉर मी, सिंपली आप गूगल में डालिए, आपको अपने आप आ जाएगा कि कौन सी NAV अच्छी है, किसका ज़्यादा रिटर्न अच्छा है, वो डिटेल मिल जाएंगी, और चाहे तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं गूगल में डाल के। लेकिन अगर आप इसको नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते, तो आप जो म्यूचुअल फंड आपको बेच रहे हैं या खास तौर से जो म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं, आप दो मैनेजर को बुलाइए और दोनों से पूछिए कि आपका म्यूचुअल फंड में क्या इन्वेस्टमेंट में रिटर्न निकल रही है, दूसरे वाले से पूछिए, आपको सिंपल कंपैरिजन जो कि आपका जो एक्सपीरियंस है उससे आपको कंपैरिजन मिल जाएगा, और आपको एक बार में ही डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो मैं समझता हूँ कि आप इस तरीके से ज़रूर एक्सरसाइज करें, क्योंकि पैसा आपका है, और पैसा अगर आपका है तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो तो फैसला कर लेंगे, लेकिन बाहर आपस में म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का जरूर झगड़ा हो जाएगा, लेकिन ये बहुत अहम है, क्योंकि अब एक सवाल ये भी है, मतलब कि क्या बैंक के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लगातार हम देखें कई बैंक्स हैं जिन्होंने अपने म्यूचुअल फंड्स निकाले, क्या वो एक सही विकल्प है, या फिर कुछ कंपनीज के द्वारा भी म्यूचुअल फंड्स निकाले जाते हैं, वो एक सही चुनाव है कि आपने कंपनी का नाम डाला और आ गया, लेकिन सेफर क्या रहता है, क्या बैंक की नजरिए से जाएं
या फिर कंपनीज के जो म्यूचुअल फंड है उस तरह की जो स्कीम्स निकाली जाती हैं? देखिए आंचल जी, मैं एक बहुत क्लियर यहाँ पर बताना चाहूँगा, खास तौर से आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, म्यूचुअल फंड जो है वो एक शेयर जो इन्वेस्टमेंट जो खास तौर से शेयर मार्केट है उसके कुछ शेयर को चूज करके एक बास्केट बनाई जाती है, उसमें अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स लिए जाते हैं, जैसे निफ्टी 50 में अगर 51 स्टॉक्स हैं तो उनकी एक बास्केट बना के एक म्यूचुअल फंड बनाया जाता है। तो म्यूचुअल फंड की रिटर्न डिपेंड करती है उस जो म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है कि वो आपका पैसा किस साइड ज्यादा कर रहा है, किस सिक्योरिटीज में ज्यादा जा रहा है। जैसे बहुत से फंड मैनेजर जब मार्केट में बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव होता है तो वो डिफेंसिव काउंटर में अपना फंड टर्न कर देते हैं जिससे कि इन्वेस्टर को नुकसान ना हो। तो आपको ये जरूर पूछना होगा कि म्यूचुअल फंड मैनेज जो कर रहे हैं वो क्या रिटर्न दे रहे हैं, क्योंकि पैसा आपका है, म्यूचुअल फंड जो मैनेज कर रहा है वो आज इस कंपनी में होगा कल दूसरी कंपनी में होगा। तो बेटर है आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो लीजिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड हिस्टोरिकल परफॉर्म कर रहा है, आज चाहे SBI का देखें या फिर आप ICICI का देखें या किसी भी प्राइवेट का देखें, सब म्यूचुअल फंड जो है वो मैनेज किए जाते हैं एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के थ्रू। जिस तो यहां पर ये जरूरी हो जाता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर कौन सा अच्छा है, तो उसका सबसे अच्छा है कि आप उसके हिस्टोरिकल हिस्ट्री को देखें कि उसने पिछले 5 सालों में, 3 सालों में, 2 सालों में उसका म्यूचुअल फंड किस तरीके से परफॉर्म किया है, तो आपके लिए आसानी होगी जी। चलिए, तो हमारे साथ नरेश जुड़ गए हैं दिल्ली से। नरेश जी, आप पूछिए अपना सवाल, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो मार्केट दिस वीक पर। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। जी पूछिए सवाल। मैम मेरा सवाल इससे पहले सजेशन था कि इसमें दूरदर्शन बिकॉज इट इज वाइडली व्यूड बाय जनरल पब्लिक, तो इसमें पहले स्क्रोलिंग आती थी शेयर वैल्यू की डे टू डे जी, तो उसके बारे में पहले भी मैंने सुना देखा इसमें कि काफी सजेशन आ चुके हैं बट स्टिल इट इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड सो फार। चलिए कोशिश करेंगे कि आपका ये सुझाव हम आगे जो हायर अथॉरिटीज है उन तक पहुंचा पाए, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट से जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं या शेयर्स में अगर आपने निवेश, तो आप पूछ सकते हैं। मैम स्टॉप लॉस का क्या मीनिंग होता है, इसी के वैल्यू पे बोलते थे स्टॉप लॉस इतने पे लगाओ इतने पे, स्टॉप लॉस का क्या मीनिंग होता है ये पता करना चाहते हैं। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपने शोज में चाहे वो बिजनेस मॉर्निंग हो या फिर ये शो की लिटरेट करें, तो स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं आपसे कि स्टॉप लॉस का मतलब आखिर होता क्या है। देखिए स्टॉप लॉस को बहुत सिंपली इससे समझिए कि स्टॉप लॉस का मतलब ही है कि आपका जो नुकसान हो रहा है वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे यानी कि जाकर रुक जाए, उससे ज़्यादा और नुकसान ना बढ़े। अब आपको मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। सपोज आप कोई एक शेयर खरीदते हैं जिसकी प्राइस 100 रुपये है और ये मान के चलते हैं कि उसका टारगेट 125 रुपये हो जाएगा, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि आप मार्केट में आपने खरीदारी कर ली लेकिन 125 के बजाय वो 90 रुपये आ जाए या फिर 50 रुपये आ जाए, तो आपका जो आपने 100 रुपये सोच करके 125 यानी 25 रुपये कमाने थे उसकी जगह आपका नुकसान हो गया। अगर वो 80 रुपये का प्राइस हो गया तो आपका 20 रुपये नुकसान हो जाता है। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस आपको बताया जाता है कि अगर जो टेक्निकली और फंडामेंटली जो लेवल्स होते हैं उसको देखते हुए अगर आपने 100 रुपये पे कोई स्टॉक बाय किया और नीचे में अगर 95 यानी 95 रुपये के नीचे चला जाता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है, तो इसलिए आप 95 रुपये के नीचे आप निकल जाएं। उसका फायदा ये होता है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, यानी कि रिस्क आपका 5 रुपये का होता है और आपका टारगेट 25 रुपये का होता है। तो हमेशा जब भी आप ट्रेड करें स्टॉप लॉस के साथ में ये जरूर देखें कि जो कॉल या जो शेयर आप परचेज कर रहे हैं उसमें आपको रिटर्न कितना मिलेगा। अगर रिटर्न रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:3, 1:4 है तब तो फायदा है, नहीं तो आपका नुकसान है जी। बिल्कुल, तो स्टॉप लॉस हो या फिर ऐसी कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिनकी लगातार हम जो है वो जानकारी अपने दर्शकों को अपने शो पर देते हैं। लेकिन डॉक्टर रवि, जाने से पहले यही आखिरी सवाल मेरा यही है कि अब अगर 5 ऐसे सेक्टर्स का नाम लिया जाए जो आगे आने वाले 1 साल में ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं, 2017 जो है वो उम्मीद की जा रही है कि भारतीय शेयर बाजार के लिए एक दमदार साल होगा, तो वो 5 सेक्टर्स कौन से हो सकते हैं? जी इस समय तो चूंकि मार्केट में काफ़ी हद तक तेजी है और काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो पहला अगर सेक्टर देखें तो मैं हमेशा आपसे बैंकिंग की तरफ बात करता हूं। दूसरा सेक्टर अगर आप देखें तो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के हिसाब से और उसके यूजर्स बढ़ने के हिसाब से मैं समझता हूं कि IT ऐसा सेक्टर है जिसमें काफ़ी तेजी ग्रोथ देखने को मिल सकती। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर और चौथा अगर आप देखें तो मैं समझता हूं डिफेंसिव काउंटर यानी खास तौर से फार्मा सेक्टर को आपको जरूर देखना चाहिए। और 5वां जो सेक्टर है उसको देखें
देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स जो हैं उनमें काफ़ी डिमांड देखने को मिलती है, उनके प्रोडक्ट की डिमांड देखने को मिलती है, तो उनमें काफ़ी अच्छी तेजी आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है। डॉक्टर रवि, आप इस शो पर आए, आपने बहुत सी विशेष जानकारियाँ दी और बहुत सारी जो सुझाव भी दिए और खासकर जो समाधान है हमारे कॉलर्स का वो भी समस्याओं का समाधान किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। तो बैंकिंग, आईटी, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपकी रडार पर रह सकते हैं आने वाले अगर आप लंबी अवधि में निवेश करना चाहते हैं भारतीय शेयर बाजार में। लेकिन आज के इस शो में बस इतना ही, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।